हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं बिमलेश कुमार और आपके हमारे चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आज भी एक टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपको सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। कि टॉपिक यह है कि आप जानते हैं कि किस देश की कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों, ये टॉपिक किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आज के युग में हर घर में टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ियाँ हैं, तो टॉपिक को मैंने उचित समझा, इसके लिए आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ये पता होना चाहिए कि मैं किस देश की गाड़ी को यूज करता हूँ, कौन से देश की कंपनी की गाड़ी चला रहे हैं। इसलिए चलो चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम बताएँगे फोर व्हीलर गाड़ियों में। फोर व्हीलर गाड़ियों में टोयोटा कंपनी है, ये जापान देश की कंपनी है। इसके बाद में होंडा कंपनी है, ये भी जापान देश की कंपनी है। और इसके बाद में मारुति सुजुकी है, ये भी जापान की कंपनी है। ये तीन कंपनियां जापान की हैं। इसके हम बताएंगे आपको महिंद्रा, महिंद्रा इंडिया की कंपनी है। टाटा, ये भी इंडिया की कंपनी है। ये दो कंपनी फोर व्हीलर में इंडिया की हैं। इसके बाद हम बताएंगे आपको होंडई, होंडई ये कोरिया देश की कंपनी है। इसके बाद रेनॉल्ट, रेनॉल्ट फ्रांस देश की कंपनी है। इसके बाद ये हो गया फोर व्हीलर। अब हम बताएंगे टू व्हीलर में, टू व्हीलर में यामा, ये जापान की कंपनी है। हीरो इंडिया की कंपनी है। होंडा इंडिया की कंपनी है। बजाज इंडिया की कंपनी है। टीवीएस इंडिया की कंपनी है। ये पांच कंपनियां हैं जो इंडिया की हैं। इसके बाद आएगा केटीएम, केटीएम कंपनी ऑस्ट्रेलिया देश की कंपनी है। इसके बाद आएगा कवास्की, कवास्की अमेरिका देश की कंपनी है। दोस्तों, ये रहा कंपनियों के। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट कर जरूर बताएं। और आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय भारत।